साथियों जय भीम जय संविधान, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। साथियों इस वक्त की बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताना चाहता हूं कि बिहार के बक्सर जिला में जहां पर एक औरत के साथ सात लोग मिलकर उसके साथ सामूहिक बलात्कार करते हैं और बलात्कार करने के बाद उसके 5 साल के मासूम बच्चे को भी मौत के घाट उतार देते हैं। अब आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ बकायदा तरीके से, इस बारे में मैं आप लोग को बता रहा हूँ। पहले औरत कहीं पे जाती है अपने बच्चे के साथ, मेरे ख्याल से मार्केट की कहीं पर जा रही थी, और वहां पर साथियों वो दरिंदे पहुंचते हैं, और दरिंदे पहुंचने के बाद साथियों सात लोग मिलकर उसके साथ सामूहिक तरीके से करते हैं, उसको मार देते हैं, उसको मारते भी है, पीटते भी हैं। और आपको बता दूं कि 5 साल के मासूम बच्चे को मौत के घाट उतार देते हैं, और उसके बाद साथियों साड़ियों में बांधकर, कपड़ों में बांधकर उस औरत को और उसके बच्चे को ले जाकर साथियों नदी में फेंक देते हैं, मतलब पानी के अंदर फेंक देते हैं। और आपको बताना चाहता हूँ कि लड़का जो है वो तो मर जाता है, जो मासूम बच्चा है वो तो मर गया, लेकिन आपको बता दूं वो औरत जो है अभी तो हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत से वो लड़ रही है। आपको बताना चाहता हूँ उनसे मिलने के लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के परपोते जिनका नाम है राजरतन अंबेडकर, और बहुत जल्द ही साथियों वहां पर भीम आर्मी के भी लोग पहुंचने वाले हैं। तो आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ साथियों, पहले उत्तर प्रदेश के बाद झारखंड, झारखंड के बाद साथियों मध्य प्रदेश, ऐसे तमाम आप देखिए, आप लोग देख सकते हैं अब बिहार, अभी एक आग ठंडी नहीं हुई थी साथियों, दूसरी आग आ जा रही है। अब आप लोग समझ सकते हैं साथियों, अभी हाथरस में हुआ था, हाथरस के बाद बलरामपुर में हुआ, बलरामपुर के बाद साथियों बिहार के अंदर ये घटना हो गई है। अब आप लोग समझ सकते हैं कि भारत देश आजाद है, ये मैं बात बार बार कहता हूँ कि भारत देश आजाद है, लेकिन भारत की बेटियां आज भी नहीं आजाद है। तो ये मैं आप लोगों से बात करने के लिए आया था, और नीतीश कुमार जी से मेरा निवेदन रहेगा कि इस मामले को बाकायदा तरीके से जांच करने, और जांच करने के बाद जो भी इस तरीके से हरकत किए उनको कड़ी से कड़ी उन्हें सजा मिले। तो आप सभी को मेरा जय भीम।